रोम रोम से जय कृष्ण की ध्वनि एक बार कैलाश के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवर्धकों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगजननी श्री पार्वती ने आशुतीय श्री भोले बाबा से निवेदन किया, भगवान जिन भक्तों की आप इतनी महिमा वर्णन करते हैं उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है और अब मुझे ऐसे भक्तराज के दर्शनों की अति उत्कंठा हो रही है, अतः कृपया शीघ्रता कीजिए। प्राण प्रिया उमा के ये वचन सुनकर भोलेनाथ उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले। वहाँ कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, कहो इस समय अर्जुन कहाँ है? उसने कहा, इस समय महाराज शयनागार में है। यह सुनकर पार्वती ने उतावलेपन से कहा, तो हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देखकर श्री महादेव ने कहा, देवी कुछ देर शांत रहो, इतनी अधीर मत हो। भक्त को उसके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। तदांतर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षण द्वारा आनंदकन श्री वज्रचंद्र को बुलाया और कहा, भगवान कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए, देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती हैं। श्री महादेव के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनागार में गए और देखा कि वह अधिक थकान से सो रहे हैं और सुभद्रा उनके सिरहाने बैठी हुई धीरे धीरे पंखा डुलाकर उनके श्वेत कलान केशों को सुखा रही है। भाई कृष्ण को आया देख सुभद्रा हड़बड़ा के उठ खड़ी हुई और उसकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। भगवान ने पूछा, तुम लोग किस विचार में पड़े हो? उन्होंने कहा, महाराज आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमसे क्या पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बतलाओ तो सही क्या बात है? तब उद्धव जी ने कहा, अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज़ आ रही है। रुक्मणी जी पैर दबा रही थी, वे बोली, महाराज पैरों से भी वही आवाज़ आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से निरंतर जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। कुछ और ध्यान दिया तो विदित हुआ कि उनके शरीर के प्रत्येक रोम से यही ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पाश में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उसके चरण दबाने लगे। भगवान के नवनीत कोमल कर कमलों का स्पर्श होने से अर्जुन की निद्रा और भी गाढ़ी हो गई। इधर महादेव और पार्वती को प्रतीक्षा करते हुए बहुत देर हो गई। तब वे मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण को गए बहुत विलंब हो गया, मालूम होता है उन्हें भी निद्रा ने घेर लिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा, किंतु अंतापुरम में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पैर पलोटते देखकर अपने प्रेम वश को रोक न सके और अपने चारों मुख से वेद स्तुति करने लगे। अब क्या था, यह भी हाथ से गए। तब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में श्री महादेव और पार्वती को बहुत समय हो गया। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का आह्वान किया। अब की बार वे नारद जी को जगाने के लिए वीणा उठाकर गए, किंतु शयनागार का अद्भुत दृश्य देख सुनकर उनसे भी ना रहा गया। वे भी अपनी वीणा की खूटियां कसकर हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि
भगवान शंकर के कान में पड़ी तो उनसे और भी अधिक प्रतीक्षा न हो सकी। वे भी पार्वती के साथ तुरंत ही अंतपुरम में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय कृष्ण का मधुर नाद सुनकर और सभी विचित्र दृश्य देखकर वे भी प्रेम समुद्र की उद्दात तरंगों में उछलने डूबने लगे। अंत में उनसे भी ना रहा गया, उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरिगुण गाने लगी। इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेम समुद्र में डूब गया। किसी को भी अपने तन मन की सुध-बुध नहीं रही, सभी प्रेममय हो गए। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सबको सरोवर कर दिया। अर्जुन, तुम्हारा यह अविचल प्रेम धन्य है।